गाइज अगर ये बोम में चालू रहते, पानी चालू रहता तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये काफ़ी समुद्र की तरह पानी इसमें भर जाता है, बहुत ही शानदार लगता है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन। गाइज देखिए, मैं पार्टी ओवर होने के बाद यहाँ बैठा हूँ। पूरी रात आज पार्टी चली है गाइज, तो पार्टी ख़त्म होने के बाद आज का ब्लॉग शुरू होगा। तो यहीं से देखिए, वो पूरा यहाँ तक पूरा पार्टी था। रात को यहाँ पूरी पब्लिक थी, डांस एंड ईटिंग फूड सब चीज़ यहाँ पर चल रहा था। बहुत ही अच्छी पार्टी थी गाइज। उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रात को सबके सामने वीडियो बनाने मुझको शर्म लग रहा था, लेकिन अब आज का ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है गाइज। तो चलिए ब्लॉग पे चलते हैं। तो गाइज, पार्टी ख़त्म होने के बाद हम लोग घूमने आए, तो आप गेस कर सकते हैं हम लोग क्या घूमने। हम लोग आए एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट कैनाल हेड घूमने, जो दोहरी घाट में है, मऊ ज़िले में, उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए, ये रहा गेट। इसी गेट के थ्रू हम लोग एंट्री अंदर करेंगे। और पीछे देखिए, जो कैनाल हेड है, ऊपर से पानी जाता है। ये पीछे उसका पूरा सिस्टम बना हुआ है, मशीन वसीन लगा हुआ है गाइज। अब इस गेट के थ्रू हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर का देखेंगे गाइज। इस समय देखिए, मैं समझ लीजिए नदी के ऊपर खड़ा हूँ। नीचे 12 बोमे लगे, इसी के थ्रू पानी ऊपर जाता है कैनाल हेड ऊपर। ये पीछे इसके ऑपरेटिंग मशीन है, पंपिंग मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सामने नदी है, पीछे देखिए कुछ बोट लगे हैं, वो बालू निकालने वाली मशीन है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये बगल में यहाँ पंपिंग मशीन है, ये भी आपको दिखाऊंगा। इस समय नीचे देखिए, ये जो यहाँ पे मोटर लगे हुए हैं, अभी देखिए ये चालू रहता है तो और भी डेंजर लगता है। ये देखिए, यहाँ पे ये मोटर लगा हुआ, इसी के थ्रू पानी ऊपर जाता है। यहाँ पे इतने हैवी मोटर लगे हैं कि जब ये 12 चलते हैं तो यहाँ का जो एरिया पूरा, ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लगता है। मतलब देखने में बहुत ही ख़तरनाक लगता है, लेकिन बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। ये देखिए, यहाँ की ये पंपिंग मशीन है, यहाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ गाइज। ये देखिए, यहाँ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहीं से पानी ऊपर जाता है। यहाँ देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, मतलब काफ़ी कमाल का। यहीं सारा पानी ऊपर जाता है और सब इसी से, जो किसानों को जो पानी की ज़रूरत होती, इस यहीं से सबको मुहैया कराया। गाइज अब मैं इस एरिया में आ गया हूँ। देखिए, यहाँ पे सारा बिजली का काम होता है, यहीं सारा जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहीं से सारा कैनाल हेड के लिए जाता है। पीछे देखिए, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं। ये देखिए अंदर का, आपने देखा, ये यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीनें लगी हुई हैं जहाँ से पानी ऊपर जाता है। और पीछे अभी देखिए, आपको बोमा दिखाता हूँ, 12 बोमा यहाँ पर लगे हैं, बहुत हैवी हैवी बोमे। गाइज ये एरिया रहा बोमों का, यहीं से पानी ऊपर जाता है। इसमें कम से कम एक सेकंड में 1000 से ऊपर पानी ऊपर जाता है। देखिए अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर अभी आपको बहुत बड़ा सा बनेगा, डैम टाइप का बना रहेगा, उसमें पानी ऊपर जाता हुआ रहेगा अगर चालू होगा तो। और ये 12 चालू हो जाता तो और भी खतरनाक लगता है। और घूमने के लिए आप यहाँ पे आए तो बहुत ही शानदार जगह। ये देखिए, यहाँ पे बोमा लगा, ये देखिए नीचे जैसे गया ना, तो ये पानी यहाँ से, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो मशीनों का, यहाँ से पानी खींच के इसमें जाता है, यहाँ से खींच के फिर ऊपर जाता है, फिर वहाँ से सब जगह नहरों में जाता है, जो छोटी छोटी कैनाल बनी है वहाँ से फिर किसानों के खेतों में पानी जाता है। गाइज देखिए, ऊपर हम लोग को जाना, इसी सीढ़ी के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि बोमों से कैसे ऊपर पानी जाता है कैनाल में। ये जो पक्की कैनाल बनी हुई है, इन्हीं सीढ़ियों के थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे। यहाँ कम से कम घुमावदार 30 सीढ़ी बनी हुई है, तो हम लोग चलते हैं। ये हम लोग पहुँच, देखिए कहीं कहीं ये टूटा हुआ है, काफ़ी ख़तरनाक है। मैं इसका एप्लीकेशन एक गवर्नमेंट को लिखूँगा, जिससे कि यहाँ पर रिस्क फ्री हो जाए ये एरिया। देखिए ये रहा, अभी पानी इसमें कम है, पानी कोई बोमा यहाँ चालू ही नहीं है, नहीं तो ये पूरा यहाँ तक भरा रहता है गाइस। मेरा हाथ देखिए थोड़ा नीचे से, और बहुत ख़तरनाक लगता है, जैसे लगता है कि मिनी समुंदर लगता है पूरा। और ये देखिए पूरा ये नदी एरिया, वो सामने जो एरिया है पूरा नदी है। घूमने के लिए बहुत ही शानदार डैम है ये गाइज। मुझको लगता है मैं इस समय गलत समय पे आ गया। इससे पहले मैं बहुत बार आया था, लेकिन वो डैम उस समय चालू था, पूरा पानी आता था, लेकिन उस समय मैं वीडियो बना नहीं पाता था। बहुत बार कोशिश करता था, वीडियो नहीं बन पाता था। तो ये देखिए गाइज, यही रहा बोमा, इसी जो नीचे जो मशीनें लगी वहीं से यहाँ पानी आता है, पानी यहाँ पर पूरा स्टोर होता है, यहीं से फिर वहाँ से फिर आगे की तरफ जाता है। आगे देखिए नहर में ये कैनाल हेड तब्दील हो जाता है गाइज। इस समय देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ, पक्की नहर के ऊपर आ गया हूँ, पक्की कैनाल के ऊपर आ गया हूँ। तो वो जो दिख रहा है, वो जो होल होल वही है, 12 बोमा जो नीचे से पानी खींच के ऊपर लेके आता है। लेकिन मैं शायद इसमें गलत टाइम पे आ गया हूँ, ये नहर इसमें बंद है। मैं इससे पहले बहुत बार आया हूँ, उस समय ये नहर चालू रहती थी, काफ़ी डरावना लगता था कि यहाँ खड़ा होने पर भी डर लगता है, जैसे लगता था ये वाइब्रेट कर रहा है। इस समय देखिए मैं कितना ऊँचाई पर हूँ,
ये देखिए मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ और ये पक्की कैनाल पे मैं हूँ। ये देखिए ये सब यहाँ से पानी जाता है, पानी यहाँ से होता है, पानी उस कैन वो 12 बोमोस निकलता है यहाँ से होते हुए, पानी यहाँ सीधे फिर इसमें ये नहर सीधे चलती जाती है। कम से कम 8-10 किलोमीटर तक ऐसे पक्की कैनाल होते हो जाती, फिर ये ज़मीन में मिल जाती है और फिर उसके बाद 60-70 किलोमीटर तक ऐसे चलते ही जाती है कैनाल, और उसी कैनाल में से छोटी बड़ी फिर कैनाल निकल जाती है, उसी से किसानों को पानी जाता है। ये रहा बोमा जहाँ से पानी निकलता है, ये देखिए पानी फिर इसमें जाता है, ये देखिए यही 12 बोमा है। और ये देखिए गाइज, ये देखिए यहाँ से ये पानी नीचे से खींचता है, जो मोटर इसमें लगे हैं वो नदी से पानी खींच के इसमें बोमे में लाते हैं, बोमे में से खींच कर पानी यहाँ पे आता है जो ऊपर, फिर ऐसे सीधे सीधे चलते जाता है। देखिए ये पूरा भर जाता है, वो जहाँ ब्लैक ब्लैक लकीरें देख रहे हैं उतना पानी भर जाता है ये। जब मैं इस एरिया में आ गया हूँ जो कैनाल हेड के ऊपर बना है बैठने के लिए तो काफ़ी शानदार है कि कोई घूमने आएगा तो यहाँ बैठेगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत रिक्स वाला काम है कि यहाँ पे बाउंड्री कोई नहीं बनी है। मैं इसके लिए भी एप्लीकेशन लिखूँगा कि बाउंड्री बना दिया जाए, क्योंकि कोई घूमने आएगा, कोई बच्चा या कोई भी यहाँ से गिरेगा तो वो सीधे नीचे चला जाएगा। देखिए सीधे नीचे, बहुत ही डरावना है, यहाँ पे पहले करकट गिरेगा फिर गिर के नीचे चला जाएगा, बहुत रिक्स वाला चीज़ है। तो उसके लिए भी ये सब ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी, सबको इसमें सबको अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। तो ये देखिए ये यहाँ पे रेस्ट करने का एरिया है। आज ये पूरी कैनाल आपको मैंने दिखा दिया है, इस समय तो ये पूरा सूखा हुआ है। आगे चल के देखिए, और यहाँ से ये जो चलने वाला वो भी नहीं रहता, आगे चल के देखिए। ये देखिए आगे चल के ये भी नहीं रहता है गाइस। इसी कैनाल के बगल में एक देखिए यहाँ का कार्यालय बना है। देखिए मैं वहाँ ऊपर था, आपको पूरा कैनाल हेड दिखा दिया, फिर ये देखिए कैनाल हेड के पास ही नीचे देखिए यहाँ का कार्यालय बना है। ये कैनाल हेड का कार्यालय है यहीं पे, यहीं से अधिकारी लोग, यहाँ के स्टाफ लोग यहाँ की निगरानी करते हैं। तो गाइस यहाँ का पूरा कैनाल हेड आपको कंप्लीट हुआ। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे आप घूमने के लिए आ सकते हैं, बहुत ही शानदार जगह है। उत्तर प्रदेश राज्य में मऊ ज़िले में दोहरी घाट में ये कैनाल हेड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कैनाल हेड है, बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए। तो गाइस आपको जब यहाँ घूमने आएंगे तो आपको काफ़ी रोमांचक फीलिंग होगी, इतना अच्छी जगह है। इसी के साथ आज के ब्लॉग में गाइज बस इतना ही। गाइज वैसे तो इस कैनाल हेड का पूरा हिस्ट्री मुझको पता है, लेकिन अगर ये मेरा हिस्ट्री चैनल रहता तो मैं आपको इसके बारे में पूरा हिस्ट्री बताता कि इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके नाम पे पड़ा, कैसे इसका बिल पास हुआ, सब मैं बताता, लेकिन वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ये मेरा ब्लॉग चैनल है। तो इसी के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।